हेलो दोस्तों, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो क्लर्क की भर्ती प्रक्रिया चल रही है CRP 93, उसी में अपने एक चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और उनको जो डॉक्यूमेंट्स का जो मेल मिला है वो शेयर किया। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है मेडिकल को लेकर। मेडिकल का उन्होंने पूरा डिटेल दिया, कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाते हैं तो कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, या जो पर्टिकुलर जहां आपको डीवी के लिए जाना है उस ऑफिस से जो लेबोरेटरीज टाई अप है अगर उनसे करवाने हैं तो आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं, वो पूरा इसमें डिटेल दिया। बाकी तो इसमें अगर आपने देखें तो वो जनरल चीज़ें जो और डिस्कस करते रहे वही है, जैसे आप देखें यही उनको दिया है। आप देखिए ये विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन अंडर CRP 9th IBPS फॉर द ईयर 2021 अलॉटमेंट यू आर प्लेस टू ऑफर योर तो अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ द बैंक एज सिंगल विंडो ऑपरेटर ए अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। तो इसमें इन्होंने जो दिया है कि ये जो दिस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू, किस किस के सब्जेक्टेड, पहला इसमें है कि आपको मेडिकली फिट प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको फिट एंड फाइन मिलना चाहिए। दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन, जिसमें आपका टेंशन नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन बैंक करवाएगा, उसमें वो आपके लिए वेरीफाई करवाएंगे। देन दो रेफरीज के आपको एड्रेस देने हैं सिर्फ, फिर वो अपने आप उनसे आपकी रिपोर्ट लेंगे। देन अगर आपका कोई नियोक्ता पहले रहा है, रिसीव कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन योर कंडक्ट एंड वर्क फ्रॉम योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये तो अगर किसी के कोई हैं तब। देन अगर और आगे देखें तो अगर आप किसी कैटेगरी से तो ऑब्वियस आपका वो सर्टिफिकेट चाहिए। फिर अगर आप PWD से हैं तो उससे रिलेटेड, अगर डिसेबल है, एक्स सर्विस मैन है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, और एक आप पे जो एग्जुकेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सीक्रेसी डिक्लेरेशन बाई यू एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग के टाइम आपसे एक वो सिग्नेचर लेंगे, एक उसमें पूरा वो डिटेल उसका लिखा हुआ है, उसमें आपकी तरफ से इनपुट कुछ नहीं साइन करने। उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट एक और क्या रहेगा, वो रहेगा अगर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप प्रोफिशिएंट नहीं हैं, आपके कोई सब्जेक्ट वहाँ की लोकल लैंग्वेज का नहीं रहा है, तो उससे गो थ्रू होना पड़ेगा। देखिए उस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए आपने आवेदन किया है कि राजभाषा में आपकी दक्षता जानकारी को बैंक की संतुष्टि के स्तर तक सुनिश्चित कर लें, बैंक की सेवाओं में आपका स्थायीकरण उक्त राजभाषा में आपकी दक्षता जानकारी के अधीन होगा, राइट। तो ये LPT का दिया है। एंड देन समर्थ फिर सबमिशन ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट, तो सब तरह की जो एलिजिबिलिटी, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी थी क्वालिफिकेशन को लेके, आपकी एज को लेके, तो वो सभी के सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स देने। तो वो भी ऐसे जो जो फॉर्म में आपने फिल किया, भाई जैसे आपकी 10th की 12th की सर्टिफाइड मार्कशीट होगी तो उसमें डेट ऑफ बर्थ भी आपका आ गया, और दूसरा उनके वो भी आ गया, फिर आपके कॉलेज PG जैसे भी आपने क्वालिफिकेशन का जिक्र उस फॉर्म में किया है उन सभी के आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट सी। देन आपका कोई भी जैसे रेजिडेंस आपने जो परमानेंट एड्रेस आपने दिया है उसका रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, तो कोई भी फोटो ID जिसमें रेजिडेंस प्रूफ हो, आपकी वोटर ID हो सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। देन आपका पैन कार्ड वैसे ही मैंडेटरी क्योंकि आपको वहाँ अकाउंट भी खुलवाना है, तो नहीं है अभी तक तो वो आप कर, आधार कार्ड अगर नहीं है वो भी मैंडेटरी है, तो आप पे नहीं है तो उसको आधार कार्ड को जनरेट करने के लिए जो चालान जनरेट हो वो उसकी कॉपी आप लेके चले जाइए। तो मेन यही है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको दिया है कि आपको किस स्केल में, तो ये दिया आपको 11 जो आप इसमें देखें 11,765, तो 11,765 नहीं, एक तरह से ये आपको 13,075 इन केस ऑफ ग्रेजुएशन, तो आजकल तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ही आपकी ग्रेजुएशन ही है, तो ऑब्वियस है आपको 13,075 का बेसिक प्लस उसमें अभी जैसे जो DA है 80% वो DA, फिर आपका 7.75% जो आपका स्पेशल बेसिक का, और उस पर जो DA एप्लीकेबल है, फिर और जो भी HR है जहाँ जैसा पोस्टिंग आपकी होगी उसमें एप्लीकेबल होगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जितना एप्लीकेबल होगा, और फैसिलिटी जो भी एप्लीकेबल होंगी वो आपको मिल जाएगी। देन आप पे यू टू मेम्बर ऑफ एक NPS जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसी में आपको कंपल्सरीली वही आपको ऑप्ट करना है।
देन उसके बाद ग्रेजुटी तो जो भी विल बी पेबल एज पर पेमेंट, ग्रेजुटी आपकी मिलती है जब आप रिटायर्ड होते हैं, तो वो जो भी ग्रेजुटी एक्ट या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ग्रेजुटी फंड रूल होंगे जो आपके लिए बेनिफिशियरी वही लागू हो जाते हैं। यू विल बी गवर्न बाय प्रोविजन ऑफ अवार्ड एंड द वेरियस बाय पेटेंट। ये जैसे जैसे जो इनके पे रिविजन होते रहेंगे उनसे आप भी गवर्न होंगे। लीव वगैरह जो है आपके जो भी पीएल है, मेडिकल है, कैजुअल है लीव में, तो प्रोबेशन पीरियड जो आपका 6 मंथ्स का होगा, 6 मंथ के प्रोबेशन में सिर्फ आपको कैजुअल लीव मिलेंगे। उसमें मेडिकल लीव या पीएल जो प्रिविलेज लीव जिनको आप बोलते हैं वो नहीं मिलेंगे, न उनका इनकेसमेंट मिलेगा। लेकिन आफ्टर 6 मंथ आफ्टर आप सक्सेसफुली अगर प्रोबेशन पीरियड आप क्लियर कर लेते हैं सेटिस्फैक्ट्रीली, देन आपको लीव इनकेसमेंट और आपकी लीव और वो सभी बेनिफिट्स बाद में मिलने। 6 महीने का प्रोबेशन है ये आपका इसमें दिया हुआ है। देन इसके बाद और इम्पोर्टेंट इफ है एट द टाइम और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर, इसमें फिर ये थोड़ा सा इसमें दिया कि अगर प्रोबेशन पीरियड में किसी भी टाइप की आप बैंक को ये लगे कि आप उनके लिए फिट नहीं, तो वो आपको निकाल सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ योर प्रेजेंट, और इवन प्रोबेशन क्लियर होने के बाद भी वो निकाल सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड में आई थिंक ये 1 मंथ नोटिस है। इफ आई वर इन टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रोबेश पीरियड ऑफ प्रोबेशन द कॉम्पिटेंट ऑथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट योर वर्क प्रोग्रेस कंडक्ट आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, योर सर्विसेज आर लाइबल टू बी टर्मिनेट बाई गिविंग यू 1 मंथ रिटर्न नोटिस और 1 मंथ सैलरी, या तो 1 महीने की, और अगर आपको वो बाद में निकालेंगे अगर कभी, हालांकि ऐसी परिस्थिति बनती नहीं है जब तक एडवर्स से बहुत कुछ नहीं चला जाता है, तो आफ्टर प्रोबेशन 3 मंथ्स नोटिस या 3 मंथ सैलरी। और अगर आप उसमें क्विट करना चाह रहे हैं प्रोबेशन पीरियड में, अगर आप छोड़ना चाहें तो आपको 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा, या आप 7 डेज की सैलरी डिपॉजिट करके भी आ सकते हैं। और अगर आफ्टर प्रोबेशन आप छोड़ते हैं तो आपको 1 मंथ नोटिस या 1 मंथ सैलरी बैंक में डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी, और इसके बाद जो और दिया है, योर प्रोबेशन पीरियड कंफर्म्स एट द सर्विस बैंक वेल इन सीनियरिटी ऑफ द बैंक भी, तो नॉर्मल चीजें हैं। फिर ऐसी कोई यू मे परमिटेड टू अवेल ओनली कैजुअल लीव, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अगर आपको किसी दूसरी प्रोबेशन पीरियड में जो 6 मंथ्स का है उसमें अगर आपको किसी भी कैजुअल के अलावा कोई दूसरी मेडिकल या कोई लीव लेने की जरूरत पड़ गई, तो वो आपकी विदाउट पे होती है, उस पीरियड की आपको पे नहीं मिलती और आपका प्रोबेशन उतने पीरियड से एक्सटेंड हो जाता है, राइट। वो एक तरह से ये मान लिया कि आपकी सर्विसेज उस पीरियड में आपने नहीं दी, और यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द कंप्लीशन ऑफ द पे, और ये आपको उन्होंने पीरियड दिया है 8 से लेके 21 के बीच में आपको जाना है, ये आपका जो भी एड्रेस दिया हुआ है उस। इसके बाद आप को इसमें ये दिया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ब्रिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने जिक्र किया, कास्ट सर्टिफिकेट आप किसी कैटेगरी से हैं, 10 फोटोग्राफ्स हैं, फोटो आईडी एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ योर प्रोफिशिएंसी फेमिलिटी विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी। इन एडिशन यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पैन कार्ड, पैन कार्ड इज मस्ट फॉर डिस्पर्सल ऑफ सैलरी एंड अदर फॉर्मेलिटीज, हेंस इफ यू डोंट हैव द सेम पीस ऑब्टेन इट इमीडिएटली, एंड प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस इन ओरिजिनल विद 1 फोटोकॉपी। इन केस यू आर एम्प्लॉयड यू आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एन अनकंडीशनल रिलीविंग लेटर एज प्रूफ फॉर यू हैव योर हैविंग बीन अनकंडीशनली डिस्चार्ज ऑफ द रिलीव फ्रॉम योर प्रेजेंट एंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोड्यूसिंग ए सेटिस्फेक्ट्री सर्विस फ्रॉम योर। तो अगर आप ऑलरेडी लगे हुए हैं तो ये सबसे जो मुश्किल काम है यही है लास्ट वाला, कि भाई आपको वहां से एक तो एक तरह से करेक्टर सर्टिफिकेट भी लाना है कि भाई मैंने नौकरी जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो मेरे से सेटिस्फाई था, और आपको उन्होंने ऑफिशियली रिलीव कर दिया है अनकंडीशनल, राइट। और इसके बाद अगर आप देखें और
तो ऐसा कुछ नहीं है, सक्सेसफुल कंप्लीशन बीइंग मेडिकली फिट, और फिर आपको ज्वाइन करवा देंगे, फिर आपको 2 वीक की इंडक्शन ट्रेनिंग है जिसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा, फिर आप जो भी वो बैंक की ब्रांच में जहाँ भेजेंगे वहाँ पर आप चले। अब जो मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था वो है ये मेडिकल टेस्ट जो है उसमें क्या क्या दिया। ये मेडिकल टेस्ट है 4 पेज का, इसमें पहला फेज ये आपका खुला हुआ है, क्या दिया है, ये जो उम्मीदवार का कैंडिडेट के नाम हो गया, पोस्ट अप्लाइड हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द चेकअप कवरिंग द फॉलोइंग, क्या क्या है, एक्सरे है, चेस्ट है, ECG है, विजन है, और फिर पैथोलॉजिकल टेस्ट में क्या है, ब्लड ग्रुप है, CBC, ESR, ब्लड शुगर, आपकी जो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील और फास्टिंग ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN, सीरम क्रिटिनिन, ये जो आपका किडनी का टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, और ये दूसरा जो ट्राइग्लिसराइड का जो है, ये दोनों ही हार्ट के टेस्ट हैं, HOI, SGOT, SGOT और SGPT, ये दोनों लीवर के टेस्ट हैं, ये करवाने हैं, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, ये Hepatitis B, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन क्या, हेपेटाइटिस बी का के लिए होता है, और यूरिन का रूटीन है, और HIV टेस्ट है। इसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग, तो ये तो ऊपर की ये तो होगी, इसके अलावा हाइट एंड वेट मेजरमेंट एंड ब्लड प्रेशर चेकअप बाई जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर हु विल कोरिलेट द रिजल्ट्स ऑफ द अबव इन्वेस्टिगेशन विद हिज क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ द कैंडिडेट एंड सर्टिफाई वेदर ही सी इज फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट एज ए बैंक। तो ये जो ऊपर जो टेस्ट है उसके बाद आपका ये हाइट वेट और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और इन सब को कोरिलेट करके वो जो डॉक्टर है वो आपको सर्टिफाई करेंगे कि आप इस एम्प्लॉयमेंट के लिए फिट हैं या नहीं है, राइट। यहाँ उस मेडिकल एग्जामिनर का साइन हुआ ये। इसके अलावा जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या ये पैरामीटर्स देंगे, हाइट देंगे, वेट देंगे, सेक्स, एज, ब्लड ग्रुप, और बाई अपीयरेंस, जो फर्स्ट क्या है, बाई अपीयरेंस, बाई अपीयरेंस कैसा लगा, बाई इज ही हर विजन नॉर्मल, यस और नो, इफ नोट डड ही सी वियर स्पेक्स, क्या स्पेक्स वो पहनते हैं, इफ यस द पावर ऑफ द ग्लास वो आ जाएगा क्योंकि विजन का पीछे टेस्ट हो गया, डज ही सी सफर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एनी क्रोनिक एंड कॉन्टेजियस डिजीज, क्रोनिक डिजीज तो वो जो बहुत लंबी केयर जिनमें जरूरत होती है जैसे कैंसर है, दूसरा कॉन्टेजियस डिजीज वो होती है जो एक दूसरे के लगती, राइट। तो जैसे पहले अपने जो TB बहुत होती थी तो TB एक से दूसरे के लग जाती थी, तो ऐसी कोई डिजीज क्रोनिक या कॉन्टेजियस डिजीज नहीं होनी चाहिए। क्रोनिक से तो ये है कि बहुत लंबी केयर चाहिए, तो ऑब्वियस है जहाँ भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे उनके ये रहेगा कि एक तो मेडिकल फिट नहीं है और लंबे टाइम ये सीख रहना, राइट। तो ये बैंक के लिए बर्डन हो गया और साथ ही इसका एक्सपेंसिव भी हो गया। और कॉन्टेजियस में ये है कि आप एक दूसरे से दूसरे स्टाफ को भी बीमार कर सकते हैं, तो एनी ये आपको देना, क्लर ब्लाइंडनेस के लिए उसको देगा, म्यूटनेस एंड डेफनेस अगर कोई सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो उसका वो डॉक्टर इसमें देगा। हैज ही सी गॉट एनी अपीयरेंस फिजिकल डिफेक्ट्स, अगर इन टेस्ट में तो नहीं आया लेकिन आपको कोई फिजिकल डिफेक्ट नजर आया क्या, इफ सो द नेचर एंड एक्सटेंट इन द, अगर कोई ऐसा है तो कितना है वो, उसकी ग्रेविटी उसको बताना, अपर लिप ऊपर वाले भाग में है, नीचे वाले में है, एनी अदर पार्ट होती या किसी और बॉडी के पार्ट। विल एनी ऑफ द डिफेक्ट्स जो ऊपर आपको लगे इन 6 and 7 में, राइट, 6 and or close 7 अबाउट कम इन द वे ऑफ हिज नॉर्मल फंक्शन लाइक कॉन्वर्सिंग, वॉकिंग, हियरिंग, क्या जो ऊपर कोई डिफेक्ट्स है उनसे उनके कोई बातचीत करने में, चलने में या सुनने में कोई प्रॉब्लम है क्या, राइट। और फिर लास्ट में डॉक्टर से रिमार्क्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो देगा इसमें फिट, सुटेबल ग्रेडिंग मे बी गिवन डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स मेडिकल फिटनेस, फिट फॉर सर्विस ए ग्रेड हो गया, कोई डाउट ही नहीं रहा। सेकेंड है टू बी केप्ट ऑन प्रोबेशन फॉर टू इम्प्रूव हेल्थ, अगर उसको कोई ऐसा लगा कि ये प्रॉब्लम तो है बट ये 2 महीने के 3 महीने के पीरियड में ये रिक्यूब कर सकता है अपने आपको, तो उसके लिए वो दे देगा ऑन प्रोबेशन फॉर। तो एग्जैक्टली फिर वो क्या करेंगे कि आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, और ज्वाइनिंग नहीं देके आपको उतने दिन का एक्सटेंशन दे देंगे कि आप फिट हो के आइए।
नॉट फिट फॉर सर्विस, और तीसरा अगर वो ये कह दे कि ये जो सर्विस है इसके लिए फिट ही नहीं है, तो वैसा बाहर हो गया। और इसमें क्लियर कट नीचे लिखा है कि अगर आपको बी और सी ग्रेड में वो रखेंगे तो उसका प्रॉपर रीजन देंगे कि भाई ये इसका कारण है। अगर वो और एक टाइम पीरियड के लिए फिट नहीं है तो क्या है और कैसे वो फिट होंगे, दूसरा अगर वो है ही नहीं फिट सर्विस के लिए तो भी आप रीजन दें। ये वहां यहाँ पर वो आपके साइन हो जाएंगे या उनके डॉक्टर के हो जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये लास्ट। तो चलिए आई थिंक जो मेनली जो मेडिकल को लेके बहुत बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरह से होगा क्या होगा, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी रहता है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तो आप वरी करना मत, जो कुछ वो आपसे कहीं भी फॉर्म फिल करवाए फॉर्म फिल कर देना पुलिस वाला, फिर वो वेरिफिकेशन कॉन्फिडेंशियल होगा, आपको बिना बताए वो आपके पुलिस स्टेशन से करवा लेंगे अगर वो नीड फिल करेंगे तो। ये मस्ट नहीं है, सबका नहीं होता है, और मेडिकल जरूरी है, LPT जरूरी है, मेडिकल जरूरी है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनकी सबकी ओरिजिनल लेके जानी है, एक एक के सेट फोटोकॉपी, 10 फोटोग्राफ लेके जाने, राइट। चलिए आज के सेशन में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।